दोस्तों 2009 में अवतार का बजट था 23.7 करोड़ यूएसडी डॉलर और इसने 292.2 करोड़ यूएसडी डॉलर की कमाई की थी। जेम्स कैमरॉन ने फिल्मी दुनिया के सामने कुछ ऐसा रखा था जो पहले कभी किसी ने देखना तो छोड़ो, उसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और यही कारण था कि इसने कई रिकॉर्ड तोड़े और कई नए रिकॉर्ड बनाए। इनमें से कई रिकॉर्ड आज भी कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई है और अब बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो फिर चलो फिल्म रिलीज होने से पहले अवतार फ्रेंचाइजी के बारे में टॉप 10 फैक्ट्स जानती है जो काफी इंटरेस्टिंग है और आपको इस फिल्म को देखने से पहले इन्हें जरूर जानना चाहिए। नंबर 1, जेम्स कैमरॉन ने फिल्म की शूटिंग के लिए एक नया कैमरा ही इजाद कर डाला। दरअसल दोस्तों जेम्स कैमरॉन जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट को लेकर इतने पैसिनेट थे कि उन्होंने सोनी के साथ मिलकर एक नया कैमरा ही बना दिया। दरअसल उनकी कंपनी लाइट स्टॉर्म एंटरटेनमेंट ने सोनी के साथ मिलकर इसे बनाया था। जब 2018 में ये पहली बार मार्केट में आया था तब ये कैमरा सोनी का पहला फुल फ्रेम डिजिटल मोशन पिक्चर कैमरा था। और दोस्तों इसकी खास बात ये थी कि ये किसी भी एक्टर या फिर ऑब्जेक्ट के रियल मोमेंट पानी के अंदर होते हुए भी कैप्चर कर सकता था और इसी तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत उस वक्त कैमरॉन को थी। साथ ही में कहा यह भी जाता है कि ये कैमरा 3D में शूटिंग करता है, यानी कि 3D में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। नंबर 2, पार्ट 2 को छोड़ के और 3 पार्ट प्लान किए गए हैं। दरअसल दोस्तों जेम्स कैमरॉन ने इसके कुल 5 पार्ट निकालने का प्लान बनाया है जिसमें 2024, 2026 और 2028 को इसके 3 पार्ट आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अवतार 3 की शूटिंग हो चुकी है और अभी बाकी फिल्मों की प्लानिंग चल रही है, मतलब हर एक साल बाद हमें VFX और CGI के मजे मिलने वाले हैं। नंबर 3, सभी सीक्वल एक साथ लिखे गए थे। ये जरा आश्चर्यजनक है लेकिन इस फ्रेंचाइजी के सभी सीक्वल एक साथ लिखे गए। इसके लिए जेम्स कैमरॉन ने टैलेंटेड राइटर की एक टीम बनाई जिसमें जोस फ्रेडमैन, रिक जाफा, अमांडा सिल्वर शामिल थे। अब ऐसा इसीलिए किया गया ताकि बाकी सीक्वल्स में अवतार की छवि बरकरार रहे। कैमरॉन चाहते थे कि सीक्वल की सभी स्क्रिप्ट लिखने में उनके सभी राइटर मिलकर काम करें, इससे उनका विजन कितना बड़ा है ये समझ में आता है। नंबर 4, फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पानी के अंदर की गई है। इस फिल्म की सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि इसकी अधिकतर शूटिंग पानी के अंदर की गई है और सांस ना आते हुए भी ये एक्टिंग करना कि वो पानी में ठीक है, इस फिल्म के हर एक्टर के लिए बहुत ज्यादा टपरा होगा। जेम्स कैमरॉन चाहते तो CGI से पानी की सारी शूटिंग कम्प्लीट कर सकते थे लेकिन उन्हें सब कुछ रियल बनाना था। यही वजह थी कि उन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर अंडर वाटर मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी डिजाइन की। इस शूटिंग के लिए उन्होंने 90,000 गैलन पानी वाला एक पुल भी बनाया ताकि हर सीन को अच्छे से शूट किया जा सके। सोचो रियलिटी दिखाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। और दूसरी तरफ यहाँ ओम राउत ने उसी टेक्नोलॉजी का यूज कार्टून बनाने के लिए किया। बताओ यार, दुनिया नकली को असली बनाने की कोशिश कर रही है और हम असली को नकली बनाने में लगे हुए हैं। सच में भाई, ऐसा टैलेंट कहाँ मिलेगा? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नंबर 5, सब एक्टर्स को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत थी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मूवी की ज्यादातर शूटिंग अंडर वाटर की गई है तो इसके लिए सबको पानी के नीचे सांस रोककर एक्टिंग करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो कि उन्हें दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि विंसलेट ने अपनी सभी पानी के नीचे के स्टंट खुद किए और 7.5 मिनट तक अपनी सांस रोककर रखने की ट्रेनिंग भी ली और इसी के साथ उन्होंने सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। यहाँ तक कि सभी यंग एक्टर्स को भी स्क्यूबा डाइविंग की ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपना रोल ठीक से निभा सके। देखा विनोद, इसे कहते हैं विजन जो कि बॉलीवुड में कभी नहीं आएगा। नंबर 6, शायद जैक और नेत्री के बच्चे इंसान हो। देखो मार्केट में एक थ्योरी आग पकड़ी है जिसके मुताबिक जैक और नेत्री के बच्चे शायद इंसान है। कुछ भी हाँ जानता हूँ ये सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन जैसा कि तुमको पता है कि अपना जैक इंसान है जिसकी आत्मा अवतार में डाली गई, तो ऐसा हो सकता है कि सीक्वल के ट्रेलर में मास्क पहने इंसान उन दोनों के बच्चे हो। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी है तो रॉन्ग भी हो सकती है। तुमको इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। नंबर 7, अवतार 2 में जैक और नेत्री की फैमिली पर फोकस किया जाएगा। दोस्तों 2016 में टोरुक के प्रमोशन के वक्त ही जेम्स कैमरॉन ने ये कहा था कि वे ऑफ वाटर
मैटर में नेत्री और जैक की फैमिली पर फोकस ज्यादा रहेगा। दरअसल उनका कहना था कि ये फिल्म जैक सुली नेत्री और उनके बच्चों के निरंतर रोमांच के बाद एक पारिवारिक गाथा होगी और हमें ये ट्रेलर में देखने को मिलता है। वहीं पे जैक और नेत्री के परिवार को अपना घर छोड़ने और पंडोरा के आगे के क्षेत्रों को पता लगाने के लिए मजबूर भी किया जाएगा, विशेष रूप से वो जो पानी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि समंदर से कैमरॉन का एक अलग ही रिश्ता है। नंबर 8, साल 1999 में ही बनाना चाहते थे फ्रेंचाइजी। दोस्तों बताया जाता है कि जेम्स कैमरून अवतार पर साल 1994 से ही काम कर रहे थे। दरअसल वो अपनी टाइटैनिक मूवी के बाद ही अवतार को साल 1999 में ही रिलीज करने वाले थे, लेकिन वो जिस तरह से अवतार फिल्म को बनाना चाहते थे उसके लिए जो वीएफएक्स और सीजीआई लगनी थी वो उस समय बनी ही नहीं थी और इसी वजह से उन्हें ये सपना ड्रॉप करना पड़ा। अब इस घटना को देखकर मुझे अयान मुखर्जी की याद आ गई। उनके साथ भी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को बनाते वक्त यही हुआ था। जिस तरह की टेक्नोलॉजी उन्हें उस फिल्म को बनाने के लिए चाहिए थी वो इंडिया में मौजूद ही नहीं थी, इसलिए उन्हें भी इतना समय लग गया। नंबर 9, जेम्स कैमरॉन के माँ का सपना और अवतार की कहानी। दोस्तों ये फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल अवतार की कहानी का आइडिया जेम्स कैमरॉन को एक सपने से आया था। जी हाँ, ये दिलचस्प जानकारी खुद जेम्स कैमरॉन ने दी थी कि अवतार की कहानी और इसमें नावी प्रजाति के लोगों की परिकल्पना उन्होंने अपने माँ के सपने के बारे में जानकर की थी। दरअसल कैमरॉन की माँ ने एक बार सपने में एक 12 फुट लंबी महिला को देखा था जो नीले रंग की थी। जब उनकी माँ ने इस सपने के बारे में जेम्स कैमरॉन को बताया तो यही से उन्हें ये कमाल का आइडिया आया जिसने आज हमारे सामने पूरी दुनिया रख दी, वो दुनिया जो फिक्शनल होते हुए भी हमें असली लगती है। नंबर 10, सभी लीड रोल एक्टर्स वापिस आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है कि आने वाले सभी पार्ट्स में ओरिजिनल 4 कास्ट वापिस आने वाली है, यानी कि जैक, नेत्री और बाकी सब, डॉक्टर और ये सन की आर्मी मैन, ये दोनों जो मर गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सन की आर्मी मैन इस बार अवतार बन के आएगा और डॉक्टर साहिबा जैक की बेटी बन के आ रही है और भी कई सारे नए कैरेक्टर्स भी हमें इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों 16 दिसंबर को अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हो रही है और हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और साथ ही में ऐसी दुनिया का एक्सपीरियंस मिलेगा जो हमें अर्थ का फ्यूचर बताने की कोशिश करती है, क्योंकि जिस तरह से हम इंसान पृथ्वी का मिसयूज कर रहे हैं शायद हमारा फ्यूचर ऐसा ही हो। और इस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक ने भी कहा था कि 100 सालों में हमें दूसरी अर्थ ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि हम इसका इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं। अब चलो एक बात तो सही है कि हमें मजा बहुत आने वाला है। तो बस आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन तुम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।